मेरे सारे वीडियोस पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करें। वेलकम टू श्रद्धा टिप्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पे। जब भी बात आता है फैशन के ऊपर, हम लोग को हमेशा एक ही प्रॉब्लम सामने दिखता है, वो है हमारा बेली फैट। हम सबसे पूछते हैं कहीं हम मोटे तो नहीं लग रहे। ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन सा बात है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका बेली फैट बहुत ज्यादा होता है, बट उनको नहीं समझ में आते क्या ड्रेसिंग करे, क्या स्टाइल करे, जिससे हमारा जो बेली फैट है वो थोड़ा सा कम दिखे। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे ऊपर है। मैं आपको 10 ड्रेसिंग टिप्स बताऊंगी जिससे आपका जो बेली फैट है वो ऑब्वियसली कम दिखेगा, और बहुत ही सिंपल और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, वेयर असिमेट्रिकल कट ड्रेस एंड ड्रेप ड्रेस। आप जितने असिमेट्रिकल कट्स के ड्रेसेस पहनोगे, गाउन्स पहनोगे, कुर्तीज पहनोगे या फिर ट्यूनिक्स पहनोगे, उतना ही ज्यादा जो आपका बेली फैट है, जो वेस्ट है, वो कम दिखेगा। क्योंकि जो असिमेट्रिकल कट्स होते हैं वो ड्रेसेस में, वो आपके वेस्ट को बहुत ही कम हाईलाइट करते हैं। तो इसीलिए आप असिमेट्रिकल कट के ड्रेसेस है वो ज्यादा स्टाइल करें। अगर आप एथनिक वेयर में जाना चाहते हैं तो जो भी ड्रेप ड्रेस आते हैं, ड्रेप कुर्तीज आते हैं, ड्रेप गाउन्स आते हैं, वो आप स्टाइल करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गाउन या नॉर्मल कुर्ती को भी दुपट्टा के थ्रू भी आप ड्रेप कर सकते हो, जिससे आपका बेली फैट कम दिखेगा। सेकेंड पॉइंट है, वेयर वर्टिकल लाइन ड्रेसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गौर नहीं देते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो आपको वर्टिकल लाइन या फिर डायगोनल लाइन का ही टॉप, शर्ट्स एंड ड्रेसेस स्टाइल करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का नहीं करना चाहिए। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपका वो चीज को हाईलाइट कर दी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं वो आपका वो चीज को और ज्यादा वाइड दिखाते हैं, और ज्यादा वो आपको स्प्रेड करते हैं। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कभी नहीं स्टाइल करना चाहिए अगर आपका बेली फैट आपको रिड्यूस दिखाना है। तो अगर आपका हिप्स भी ज्यादा है, थाइज भी ज्यादा है, तो आपको बॉटम्स में भी हॉरिजॉन्टल लाइन के स्कर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, आपको नहीं स्टाइल करना चाहिए। वो आपके बॉटम्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। आपको हमेशा वर्टिकल लाइन का ही ड्रेसेस स्टाइल करना चाहिए, वर्टिकल लाइन का ही ट्राउजर स्टाइल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वेयर वेस्ट ओवर योर ड्रेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी स्टाइल कर रहे हो, ड्रेसेस हो, टॉप्स हो, कुर्तीज हो, आप अपने ड्रेस के ऊपर कुछ एड ऑन कर रहे हो। जैसे कि जैकेट्स हो गया, आप शॉर्ट जैकेट भी स्टाइल कर सकते हो, लॉन्ग जैकेट भी स्टाइल कर सकते हो, श्रग भी स्टाइल कर सकते हो, जो आपका मर्जी हो। अगर आप समर में हो, कोई भी क्रॉप टॉप अगर आप ले रहे हो पर आपका फैट बहुत दिख रहा है क्रॉप टॉप से, तो आप उसे कवर अप करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रिंटेड या कॉटन श्रग ले सकते हो। आप शर्ट को भी एड ऑन कर सकते हो। तो ये स्टाइलिंग टिप आप जरूर फॉलो करिए अगर आपको अपना बेली फैट रिड्यूस लुक देना है। फोर्थ पॉइंट है, वेयर लेयर ड्रेसेस। अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आपको लेयर ड्रेसेस हमेशा स्टाइल करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो बेली वेस्ट होते हैं वो बहुत ही कम हाईलाइट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप सपोज एक कुर्ती पहने हो, वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर्स, जैसे भी हो, जो लेयर्स जो फॉर्म होते हैं वो आपके वेस्ट से स्टिच होके आपका बॉटम तक जाता है। तो अगर आप खुद ही सोचिए, वेस्ट से स्टिच होकर अगर आपका वो बॉटम तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो वेस्ट है वो कम दिखेगा, क्योंकि उसमें इतने लेयर्स जो एड हो रहे हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके वेस्ट को रिड्यूस दिखाने में। आपका जो बेली फैट है वो बहुत ही कम दिखता है, इसीलिए आपको लेयर ड्रेसेस हमेशा स्टाइल करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम टाइट फिटिंग क्लोथ्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, हम जनरली इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। जिसका बेली फैट बहुत ज्यादा होता है उन्हें टाइट फिटिंग क्लोथ्स कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि टाइट फिटिंग क्लोथ्स से आपका जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। आपको बहुत लूज भी नहीं पहनना है, उससे आपका जो बॉडी है वो शेपलेस लगेगा। आपको बिल्कुल एवरेज फिटिंग पहनना है, ना बेसी टाइट और ना बेसी लूज। सिक्स पॉइंट है, शिफ्ट अटेंशन टू टॉप और बॉटम। अगर आप सपोज कभी कोई ड्रेस स्टाइल कर भी रहे हो जो आपका बेली फैट को हाईलाइट कर भी रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ ड्रेसअप करने का, तो आप क्या कर सकते हो, जो अटेंशन है
आप वो डाइवर्ट कर सकते हो। कैसे डाइवर्ट कर सकते हो? सपोज आप बहुत ही स्किनी ड्रेस पहने हो, अगर आप उसके ऊपर बहुत ही अच्छा और क्लासी एक्सेसराइज करते हो, आप बहुत ही अच्छा नेक पीस कैरी करते हो, तो आपका जो टोटल ऑल ओवर जो आपका लुक का जो अटेंशन है वो आपका वो नेक पीस पे जाएगा, आपका वेस्ट पे नहीं जाएगा। आप चाहे तो अपने मेकअप के थ्रू, हेयर स्टाइल्स के थ्रू आप जैकेट्स ले सकते हो, श्रग्स ले सकते हो, जैसे भी है आपको अपना वेस्ट से अटेंशन डाइवर्ट करके वो पर्टिकुलर चीज पे आपको देना है, जिससे लोग आपका वेस्ट कम देखे और वो चीज जो अपने आपको आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस पे ज्यादा ध्यान जाए। अगर आप बॉटम में भी अगर आप बहुत ही अच्छा कोई स्कर्ट कैरी कर रहे हो या फिर ट्राउजर्स कैरी कर रहे हो, तो उससे भी आपका जो टेंशन है वो डाइवर्ट होता है। तो ये जरूर आप स्टाइल कर। सेवन पॉइंट है वेयर प्रिंट्स। अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो आपको प्लेन ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बेली फैट बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। आपको हमेशा प्रिंट्स पहनना चाहिए, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा प्रिंट्स भी पहनो, थोड़ा बहुत प्रिंट्स हो या फिर हल्का फुल्का स्ट्राइप्स हो, जैसे भी हो, अगर कुछ भी इसमें हल्का फुल्का अगर प्रिंटेड रहेगा तो वो आपका जो बेली फैट है उसको कम हाईलाइट करेगा। एट पॉइंट है वेयर हाई वेस्टेड पैंट्स। अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आपको तो स्किनी जींस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, कोई भी स्किनी बॉटम हो आपको बिल्कुल स्टाइल नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रॉप टॉप स्टाइल करने का मन कर रहा है तो आप उसके ऊपर हाई वेस्टेड जींस ले लीजिए, हाई वेस्टेड ट्राउजर्स ले लीजिए, हाई वेस्टेड स्कर्ट्स ले लीजिए, इससे क्या आपका जो बेली फैट है वो बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि वो आपके फैट के ऊपर में जाके स्टाइल होता है। तो हमेशा हाई वेस्टेड पैंट्स हो, ट्राउजर्स हो, जो भी हो, आपको हमेशा हाई वेस्टेड ही स्टाइल करना चाहिए। अगर आप गारमेंट्स भी ले रहे हो तो हाई वेस्टेड पैंटीज भी ले सकते हो, उससे भी आपका जो बेली फैट है वो कम दिखते हैं। नाइन पॉइंट है नेवर टक योर शर्ट्स। अगर आप अपना बेली फैट को कम दिखाना चाहते हैं तो आप कभी भी अपना टॉप हो या शर्ट हो कभी भी आप टकी मत कीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये मिस्टेक करते हुए, पर उन लोगों को नहीं मालूम होते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि ये तो एक अच्छा स्टाइल टिप है। बट सबका अलग अलग फिगर के हिसाब से स्टाइलिंग टिप्स होते हैं, तो जिसका बेली फैट ज्यादा है उसे कभी भी टकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं वो भी आपको पूरा लॉजिकली बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप टक करते हो या शर्ट टक करते हो, अगर आप कोई भी चीज अगर आप टक करते हो तो आपका जो वेस्ट में है वो एक लाइन फॉर्म करते हैं, और अगर जो लाइन फॉर्म करते हैं उससे आपका वेस्ट जो है वो ऑल ओवर लुक में सबसे ज्यादा आपका बेली फैट हाईलाइट होता है, तो इसीलिए कभी भी आपको टक नहीं करना चाहिए। टेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, वो है अवॉइड बेल्ट्स। ये मिस्टेक भी मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए। अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो आपको बेल्ट्स बिल्कुल नहीं कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका जो वेस्ट है, जो बेली फैट है, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। अभी मैंने पॉइंट नंबर 9 में यही कहा था कि वो एक लाइन सा फॉर्म करता है, तो बेल्ट भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी तो आपका एक वेस्ट में लाइन सा फॉर्म करेगा, तो कभी भी बेल्ट नहीं कैरी करना चाहिए। अगर आपको मन कर भी रहे तो हमेशा सा जो थिन बेल्ट होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं, वो आपको स्टाइल करना चाहिए, वाइड बेल्ट तो बिल्कुल नहीं। सो अवॉइड यूजिंग बेल्ट अगर आपको अपना बेली फैट कम दिखाना है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरे ये बेली फैट की जो टिप्स जो मैंने बताया है अभी अपने वीडियोस में, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा हो कि सही में ये सच है कि नहीं है, तो आप जाइए शॉपिंग करने मार्केट में, आप मेरे ये टिप्स को फॉलो करिए। आई एम श्योर आपको 100% पता चलेगा कि सही में ये टिप्स वर्क करता है, क्योंकि ये सारे टिप्स जो मैंने बताया अभी अपने वीडियो में वो मैं अपने ऊपर यूज करके देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा आपको ये टिप्स कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।